कन्हैया कुमार ने कर दिया बड़ा दावा, बोले सिर्फ 5 काम गिना दें तो करूंगा सीएम शिवराज के लिए प्रचार। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के लिए जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कुछ बड़े दावे कर दिए। कन्हैया कुमार ने कहा कि 18 साल के भाजपा सरकार के शासन में सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई 5 काम ही ऐसे गिना दें जिससे लगे कि मध्य प्रदेश का कुछ भला उन्होंने किया है, तो मैं कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा को छोड़कर सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्रचार करने उनकी विधानसभा सीट बुधनी में चला जाऊंगा। ये वही कांग्रेस है जिसे स्व माधवराव सिंधिया ने अपने योगदान से बड़ा किया। स्व अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह ने शासन चलाकर दिखाया। शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में पूरी की पूरी एक पीढ़ी बदल गई और उनको पता ही नहीं है कि अर्जुन सिंह या दिग्विजय सिंह या फिर स्व माधवराव सिंधिया किस तरह से शासन चलाया करते थे। बीजेपी ने हमेशा ही नौजवानों को भ्रमित किया और डराने की कोशिश की है कि कांग्रेस का शासन खराब था। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी बच्चे को उसकी बूढ़ी दादी पीपल के पेड़ पर जाने से यह कहकर रोकती है कि उस पर प्रेत का साया है, उससे दूर रहना। बच्चा जब बड़ा होता है और पीपल के पेड़ के पास जाने की कोशिश करता है तो वहां पर पीपल का पेड़ ही गायब हो चुका होता है। इसी तरह कांग्रेस के शासनकाल को लेकर बीजेपी नौजवानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश करती। कन्हैया कुमार ने कहा कि मामा शिवराज को अपनी लाडली बहनों की याद तब आई है जब उनका अपना लाडला बड़ा हो गया है और पिता का जूता पहनकर राजनीति में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में न तो किसी का गढ़ काम करता है न ही पिता की विरासत काम आती है। जनता की नजर में खरा उतरने वाले को ही मौका मिलता है। सिंधिया के गढ़ जैसी शब्दावली अब खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि ये कोई सामंतवाद का जमाना नहीं है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की बंपर जीत का भरोसा जताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना